आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें यदि आपको लगता है कि आपका ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। देखें, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमारे सिग्नल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास जिनके जिसमें सिंगल फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि हमें एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि तो बार बार यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखिए, इफ फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस है, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश टी इक्वल टू होगा आई एस इंटू आई एस इंटू एफ ऑफ एस वेन एफ ऑफ टी इक्वल टू पावर माइनस एस आई टी इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन पे जब भी अगर हम लिमिट प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो यह मान के चल रहे हैं कि ये वैल्यू अपना अप्रोच कर रही है जीरो की ओर। ठीक है, देखें हम इस को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। वी नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इक्वल टू पावर माइनस आई एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी। ओके, देयरफॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e to the power i s t into f dash t dt। हम इसको लेके चलते हैं सेकंड फंक्शन और इसको लेके चलते हैं फर्स्ट फंक्शन। हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज e to the power minus i s t, इसका मैं इंटीग्रल करूंगा तो भी मिलेगा f of t दिस इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एंड माइनस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e to the power minus i s t का मैंने डिफरेंशियल किया तो i s e to the power minus i s t इसका मैंने इंटीग्रल किया तो f of t dt। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यदि हम कभी भी इसमें अगर लिमिट रखते हैं इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी दोनों ही कंडीशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास जीरो है। तो जैसे मैं यहाँ पर इंफिनिटी पुट करूंगा तो ये मिलेगा जीरो, तो माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो भी हमें मिलेगा जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज आई एस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए टू द पावर माइनस आई एस टी इंटू एफ ऑफ टी डीटी। और ये कुछ और नहीं, हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ही है, तो यानी कि हमारे पास एक आएगा आई एस एफ ओ एस। ठीक है, यानी कि एफ डैश का अगर हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो वो हमारे पास होगा आई एस इंटू एफ ओ एस। मान लीजिए अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास क्या आएगा, सेकंड डेरिवेटिव समझ लीजिए, नाउ हम निकालना चाहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज द एफ डैश ऑफ टी का होल डैश, दिस लिख सकते हैं सर। अब फिर से एफ डैश ऑफ टी के अकॉर्डिंग फिर से लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज द आई एस and this is a Fourier transform of f dash of t। और f dash of t का Fourier transform फिर से लगाएंगे तो हमको मिलेगा this is again i s into f of s। यानी कि इसका मतलब ये निकला कि अगर हमें Fourier transform second derivative का निकालना है तो हमारे पास आएगा i s का square into f of s। ओके, सिमिलरली फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी हमारे पास हो जाएगा दिस इज आई एस की पावर एन एफ ऑफ एस। ओके, ठीक है, अब इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। और भी हमारे पास अगर हायर डेरिवेटिव निकालना तो सेम इसी रूल को फॉलो कर सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ डैश एन टी इक्वल टू आई एस की पावर
आई एस की पावर हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एन टी, एफ डैश एन टी इक्वल टू हमारा लिखा जाएगा दिस आई एस की पावर एन एफ ओ एस। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म या जब हम जिनके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हम निकालते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था लेक्चर नंबर 7 में। अब हम आपको बताना चाहते हैं कौन कौन से फॉर्मूले की हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो आप थोड़ा उनको ध्यान रखिएगा क्योंकि उनकी हमें ज्यादातर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें डेल ऑफ टी माइनस ए का निकालना होता है तो हम वहां लिखते थे ई टू दी पावर माइनस ए आई एस। ठीक है, अगर हम इसी में अगर ए की वैल्यू को रख देते हैं जीरो, यानी कि अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म केवल डेल ऑफ टी का निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा वन। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारा है कि अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू दी पावर माइनस ए मॉड टी का, तो हमने निकाला था वहां पर उसे दिस इज टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। बच्चों यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने इसका इनवर्स भी नहीं वहां पर निकाला था तो इनवर्स हमने लिखा था दिस इज एफ इनवर्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो हमारा लिखाया था वन अपॉन टू ए टू दी पावर माइनस ए मॉड। ठीक है, और फॉर्मूले हमारे पास क्या होंगे वो भी आप देख लें। फोर्थ हमारा है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी इक्वल टू मैं लिखा था वन अपॉन ए प्लस एस। ओके, राइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा यूटी हो या हमारे पास एच टी लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में हम उसे वेबसाइट या यूनिट स्टेप फंक्शन ही कहते हैं। यानी कि हमारा फॉर्मूला ये ऐसा भी लिखना हो सकता है, रिक्वायर्ड कर सकती है ई टू दी पावर माइनस ए टी एच ऑफ टी इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस एस आई। और फिफ्थ फॉर्मूला हमारे पास था कि अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वन अपॉन ए प्लस एस आई का, तो वो हमारे पास अंतर टू पाई ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टू। ठीक है, इसी प्रकार यहां भी मेरे पास आएगा दिस पे टू पाई। आपको मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो हम यहाँ पर जब इनवर्स निकालते समय हम जो फैक्टर टू पाई या रूट टू बाय पाई का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम वहां पर यूज नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब मेरे पास ये है कि जब मैं बोलूंगा आपसे कि फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहां से मैं इस टू पाई को यहां से रिमूव कर दूंगा। इसी प्रकार से जब मैं इनवर्स निकालूंगा अपने पास वन अपॉन ए प्लस एस आई का, तो वहां पर मैं ई टू दी पावर माइनस एट यू ऑफ टी यूज करूंगा, ना कि मैं टू पाई को वहां से हटा दूंगा। तो ध्यान रखना कि जब भी अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर 2 पाई या 1 अपॉन रूट 2 पाई या रूट 2 बाय पाई का हम फैक्टर का मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन नहीं लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर जो भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का, उसमें हमारे पास सिंगल फंक्शन होना जरूरी है, तभी हम वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज अ डी वाई बाय डी टी माइनस फोर वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस फोर्टी इंटू एच। पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल्स को इंक्रीज करते जाएंगे। हमें क्या निकालना है, ई टू द पावर माइनस फोर्टी का हमने यहाँ पर लाप्लास सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। पहले हम क्वेश्चन को डेरिवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, गिवन फोरियर दिस इज वाई डैश टी माइनस फोर ऑफ वाई टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस फोर्टी एंड दिस इज एच ऑफ टी। ध्यान दें इस एच का मतलब मेरे पास है हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू माइनस फोर, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी इक्वल टू एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस फोर टी इंटू एक्स टू। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे देखा कि हम y डैश t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं वो लिखते हैं आई एस इंटू वाई एस एंड इसको लिख सकते हैं दिस इज y s। ओके, और ये मेरे पास दिखाएगा वन अपॉन फोर प्लस एस आई। क्या लिखाएगा, फोर प्लस एस आई को लिखाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी जो होता है वो हमारा लिखा था आई एस एफ ऑफ एस और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ई टी एस टी जो हमारा होता है वो हमारा लिखा था वन अपॉन ए प्लस एस। ओके, इन फॉर्मूले को हम यहां पर यूज कर रहे हैं, राइट। इन दोनों से कॉमन कितना निकल रहा है बच्चों, इन दोनों से कॉमन वाला निकल रहा है दिस इज आई एस माइनस फोर एंड दिस इज वाई एस इक्वल टू वन अपॉन फोर प्लस एस आई। ओके, तो वाई एस मेरा कितना लिखाएगा, दिस इज वन अपॉन फोर माइनस एंड दिस इज फोर प्लस आई एस इंटू एस आई एस माइनस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस सम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं और दिस इज फोर प्लस आई एस और यहां पर मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे करके, कितना मिलेगा मुझे, दिस इज आई माइनस एन वहां निकाल लेते हैं, दिस इज फोर प्लस आई एस और फोर माइनस आई एस। ये जो टर्म मेरे पास है वो लिखा जाएगी मेरे पास, दिस इज फोर स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एस स्क्वायर यानी कि माइनस वन अपॉन सिक्सटीन प्लस एस स्क्वायर यानी कि माइनस वन अपॉन ऑफ एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। ओके, का मतलब मेरे पास क्या है, दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी, तो दिस इज अ वाई टी इक्वल टू मेरे पास कितना लिखा है बच्चों, दिस इज अ माइनस फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन। ठीक है, अभी हमने इस टाइप का एक फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या था हमारे पास कि यदि हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं ई टू द पावर माइनस ए मॉड टी का, तो वो हमारे पास आता है टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और इसी को यदि हम इनवर्स फॉर्म में निकाल देंगे तो हमारे पास आएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वन अपॉन टू ए टू दी पावर माइनस ए मॉड टी। ठीक है, तो अब इस समय मेरे पास ए कितना हो गया, फोर। कितना हो गया मेरे पास, ए फोर हो गया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मूला, दिस इज माइनस वन अपॉन टू इंटू फोर इंटू ई टू दी पावर माइनस फोर मॉड टी। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस वन अपॉन एट ई टू दी पावर माइनस फोर मॉड टी। ओके बच्चों, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं और मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से, हम किसी भी प्रकार का फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं लेंगे, टू पाई का या रूट टू पाई का या किसी और टाइप का। इस बात का आपको इस पर से ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो कैंसिलेशन फॉर्म में हमारे पास आ जाते हैं। राइट, दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से समझ लें कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से हो रहा है। हमने लिखा पहले इसको डेरिवेटिव फॉर्म में y dash t equal to minus 4 y t equal to e to the power minus 4 t h of t। दोनों तरफ हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया। हमने बोला कि भाई इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो आई एस बाय ऑफ एस और दिस इज माइनस फोर बाय ऑफ एस दिखाएगा और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वन अपॉन फोर प्लस एस आई। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ डैश का फूरियर ट्रांसफॉर्म आई एस एफ ऑफ एस है और e to the power minus at h of t का फूरियर ट्रांसफॉर्म वन अपॉन ए प्लस एस आई ही है। इसलिए हमने यहाँ पर क्योंकि ए इस समय हमारे पास बन गया, इस सम को हमने डिवाइड किया, हमारे पास ये टर्म आ गई, यहाँ से हमने माइनस साइन तो बाहर निकाल दिया, हमारे पास ये दोनों टर्म सेम बन गई, यहाँ लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो 16 प्लस ए स्क्वायर बन गया। हमने फिर इसका इनवर्स ले लिया, इनवर्स लेने पर हमारे पास इस तरह से ये आंसर मिलेगा। और क्वेश्चन समझते हैं कि इसको हम और भी क्वेश्चन क्या सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज द डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाय डी टी प्लस 5 पाई इक्वल टू डेल टी, यानी कि ड्रॉप डेल्टा फंक्शन। ठीक है, देखें इस प्रकार से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपको गिवन है दिस इज y डबल डैश ऑफ t प्लस 6 y डैश ऑफ t प्लस 5 y ऑफ t इक्वल टू tan of t, taking Fourier transform on both sides. इतना मिलेगा, this is a Fourier transform y double dash of t plus 6 Fourier transform y dash of t plus 5 Fourier transform of y of t equal to Fourier transform of 6 del t. Okay, y double dash का Fourier transform बच्चों मेरे पास कितना था, this is a I square s square y of s plus I s y of s and this is 5 y of s equal to फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डार्क डेल्टा फंक्शन जो होता है वन होता है। मैंने आपको अभी पिक्चर से भी बताया आपको, तो ये वैल्यू मेरे पास लिखा जाएगी। इन सबसे कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज द माइनस एस स्क्वायर दिस इज वाई एस प्लस आई एस वाई एस प्लस फाइव, सबसे मैं वाई को कॉमन निकाल देता हूं, एस स्क्वायर प्लस आई एस प्लस फाइव वाई एस इक्वल टू वन।
ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे माइनस साइन को हम बड़े बाहर निकाल लेते हैं, तो मेरे पास आएगा माइनस दिस इज एस स्क्वायर माइनस आई एस प्लस फाइव एंड दिस इज वाई एस इक्वल टू वन। अब मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं, क्या बच्चों मैं इसके फैक्टर इस प्रकार ले सकता हूं, दिस इज एस स्क्वायर माइनस माइनस आई एस माइनस फाइव आई एस प्लस फाइव एंड दिस इज वाई ऑफ एस इक्वल टू वन, यानी कि माइनस इन दोनों से कॉमन कितना निकल रहा है मेरे पास एस, तो मैंने एस माइनस आई लिख दिया, इन दोनों से मेरा कॉमन निकल रहा है, मैं निकाल लेता हूं फाइव आई, अंदर मेरे पास आएगा एस माइनस आई। ये समझ में आ रही है आप लोग को, क्या अगर आपने यहाँ पे फाइव को कॉमन निकाले कितना आएगा मेरे पास माइनस, मतलब आई को निकाल तो आई क्या आएगा इसके अपॉन में जाएगा, तो वन अपॉन आई जो होगा वो प्लस बन जाएगा, तो मेरे पास जो फैक्टर बने वो कितना बने, दिस इज एस माइनस फाइव आई और एस माइनस आई एंड दिस इज वाई ऑफ एस इक्वल टू। अब हमारे पास कितना मिला, दिस इज वाई एस इक्वल टू वन अपॉन माइनस एस माइनस फाइव आई और एस माइनस, ओके। अब हम क्या करते हैं इसके फैक्टर बना देते हैं, क्या बना देते हैं फैक्टर, फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस साइन को हमने बाहर रखा, ठीक है माइनस साइन को हमने बाहर रखा और इसको हमने लिख दिया, इसको हमने कवर किया, दिस इज एस माइनस फाइव आई को मैंने कवर किया, कितना मिलेगा मुझे एस इक्वल टू फाइव आई, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर फाइव आई माइनस आई ऊपर वन प्लस वन अपॉन एस माइनस आई को मैंने कवर किया तो एस इक्वल टू कितना बनेगा आई, इसमें रखेंगे कितना आएगा दिस आई माइनस फाइव आई एंड दिस इज ये कितना मिलेगा मुझे माइनस वन अपॉन फोर आई एस माइनस फाइव आई एंड ये मिल गया मुझे माइनस माइनस वन अपॉन फोर आई एंड दिस इज एस माइनस, ओके। अब हम क्या करते हैं इस i का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास i का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा दिस इज एस आई प्लस फाइव और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा दिस इज एस आई प्लस, ओके। तो ये मेरे पास आ गया दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y, ठीक है। हम निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म मैंने वाई टी इक्वल टू निकालेंगे वन अपॉइंट फोर एंड दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉइंट फाइव प्लस एस आई एंड दिस इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वन अपॉन वन प्लस आई एस, ओके। अभी मैंने आपको बताया कि वन अपॉन ए प्लस एस आई का जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमारे पास ई टू दी पावर माइनस एटी यू ऑफ टी, ये मेरे पास कितना लिखा जाएगा दिस इज माइनस वन अपॉन फोर ए मेरे पास है ई टू दी पावर फाइव टी और ये बन जाएगा यू ऑफ टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी इंटू यू ऑफ टी। ध्यान दीजिएगा हमेशा इस बात का कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है वन अपॉन ए प्लस एस आई का तो वो हमारे पास होगा ई टू दी पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी, ठीक है। चलिए इसको एक बार और समझ देते हैं किस प्रकार से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करना है इसकी हेल्प से, और मैं डेरिवेटिव को पहले हमने लिखा डेरिवेटिव फॉर्म में इसको इस तरीके से दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया f डबल डैश y डैश देन y एंड f ऑफ डेल्टा,
y डबल डैश का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है i स्क्वायर s स्क्वायर y ऑफ s, y डैश का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है i s y ऑफ s और ये टर्म एज इट इज, और डिराक डेल्टा फंक्शन डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल ऑफ टी पहले से निकालते हैं तो वो हमारे पास आता है e टू द पावर माइनस ए आई एस, अगर ए की वैल्यू 0 है तो हमारे पास आएगा 1। सबसे बायस को हमने कॉमन निकाला, माइनस साइन को भी हमने यहाँ पे कॉमन निकाला था, इस प्रकार से लिखाया इन दोनों टर्म से हमने एस कॉमन निकाला तो ये आया, और इन दोनों टर्म से हमने यहाँ पे माइनस फाइव आई कॉमन निकाला, एस माइनस आई मिलेगा, तो इस तरह से लिख दिया। इस पूरी टर्म को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर हमने फैक्टर मेथड लगाया जिसको बोलते हैं हम कवरिंग मेथड, कवरिंग मेथड हमारे पास लीनियर फैक्टर पे काम करता है, तो पहले हमने इसको कवर किया और इसको कवर करने के बाद जीरो के इक्वल, जैसे एस माइनस फाइव आई को अगर मैं जीरो के इक्वल लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे एस इक्वल टू फाइव आई, उस फाइव आई को मैंने यहाँ रख दिया था फाइव आई माइनस आई, फिर सेकेंड वाले टर्म को मैंने कवर किया एस माइनस आई को, तो एस इक्वल टू मुझे मिला आई, उस आई को मैंने रख दिया फर्स्ट टर्म, तो आई माइनस फाइव आई, तो फाइव आई माइनस आई हो गया फोर आई, और आई माइनस फाइव आई हो गया माइनस फोर आई, माइनस आई मैंने यहाँ पर लिख दिया, दोनों से मैंने फोर को कवर निकाला और इस आई को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मेरे को जो चाहिए अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स इस फॉर्म में लिखना है, आई का मतलब है कि एस में क्या ऐसा ही, और माइनस फाइव हमें करेंगे तो प्लस फाइव, और क्योंकि यहाँ भी गलत है ऐसा, दोनों तरफ मैंने इनवर्स ट्रांसफॉर्म किया था, जैसे एफ इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस एस आई और एफ इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एस आई, और इसका जो इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो माइनस e टू दी पावर माइनस फाइव टी यू टी माइनस e टू दी पावर माइनस टी यू टी हमारे पास। इस प्रकार से हम ये निकाल सकते हैं, आपको अच्छी तरह बेहतर समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस थ्री डी वाई बाय डी टी प्लस 2y equal to e to the power minus 3t into u of t, ठीक है। देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा इसको। गिवन y double dash of t plus 3 y dash of t plus 2 y of t equal to e to the power minus 3t u of taking Fourier transform on both sides, taking Fourier transform y double dash of t plus 3 Fourier transform of y dash of t plus 2 Fourier transform of yt equal to Fourier transform of e to the power minus 3t u of t। इसका वैल्यू कितना दिखाएगा? दिस इज i square s square y of s and this is 3 i s y of s plus 2 y of y of s, और
इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा आएगा वन अपॉन टी प्लस एस आई, ठीक है, ये हो गया माइनस एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस थ्री आई एस वाई ऑफ एस प्लस टू वाई ऑफ एस इक्वल टू वन अपॉन टी प्लस एस आई। फिर से दिस इज माइनस एस स्क्वायर, माइनस साइन को भी बाहर निकाल रहा हूं, माइनस थ्री आई एस प्लस टू y of s equal to 1 upon 3 plus i s। माइनस इन दोनों से कॉमन, इसको हम कह सकते हैं s square 2 i s minus i s plus 2 and this is y s equal to 1 upon 3 plus i s। This is minus s common निकाला तो s minus 2i, यहां से भी हमने minus i बाहर निकाला तो s minus 2i and this is y of s equal to 1 upon 3 plus ix, okay? So यहां पर मेरा factor क्या बन रहा है, this is minus s minus 2i और s minus i y of s equal to 1 upon 3 plus ix। अब हम क्या करेंगे कि इस सम को पूरा हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, इतना मिलेगा हमें यहाँ पर, दिस इज y ऑफ s इक्वल टू माइनस साइन s माइनस टू आई एस माइनस आई और दिस इज थ्री प्लस आई एस। आगे दिस इज लीनियर फैक्टर, क्या ये हमारे लीनियर फैक्टर है, फिर से इसको हम सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट हमने कवर किया s माइनस टू आई, कितना मिलेगा हमें s इक्वल टू टू आई, रखें यहां पर दिस इज टू आई माइनस आई एंड दिस इज टू आई दिस इज थ्री, जैसे मैं s इक्वल टू आई रखूंगा तो यहां पर मेरे पास कितना मिलेगा 2i स्क्वायर, ठीक है, क्या रखा हमने s इक्वल टू 2i यानी कितना मिलेगा 2i स्क्वायर। सेकंड टर्म अब मैंने कवर किया कितना s माइनस i, कितना मिलेगा मुझे दिस इज i माइनस 2i या कितना मिलेगा मुझे 3 प्लस प्लस i स्क्वायर। एंड थर्ड अगर हमने लिखते हैं तो 1 अपॉन वन अपॉन थ्री प्लस एस आई कॉम्पेंड कितना मिलेगा हमें एस इक्वल टू थ्री अपॉन आई। तो एक काम करते हैं थोड़ा टर्म को और सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें लॉजिक लगा लेते हैं जिससे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है थोड़ा आसान हो जाएगा। हम उसे क्या कर रहे हैं, ऊपर आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी मैं आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या जाएगा वन, एक आई को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा एस आई प्लस टू, एक आई को इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा एस आई प्लस वन और ये हो जाएगा एस आई प्लस टू। इससे फायदा हमें ये मिलेगा कि हम तीनों को बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अपने लॉजिक को अप्लाई करें तो क्या हमें करा यहां पर, सबसे पहले एस आई प्लस टू करा, तो एस आई प्लस टू करा तो एस आई इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस टू, तो माइनस टू में लिखते हैं माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस थ्री वन। सेकेंड टर्म में अगर हम रखें कितना हमारे पास है एस आई प्लस वन, तो एस आई इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस वन, माइनस वन फर्स्ट में रखें तो माइनस वन प्लस टू
और माइनस वन प्लस थ्री थर्ड में रखें हम, दिस इज थ्री प्लस एस आई, तो एस आई इक्वल टू कितना मिलेगा माइनस थ्री, फर्स्ट में रखे कितना मिलेगा हमें माइनस थ्री प्लस टू, सेकेंड में रखे कितना मिलेगा माइनस थ्री प्लस वन। अब ये कितना मिलेगा, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन, यानी कि मेरे पास ओवरऑल कितना होगा, दिस इज वन अपॉन एस आई प्लस वन या सिंपली वन प्लस एस आई, ठीक है। और वन मेरे पास माइनस आई, यहाँ पे कितना मिलेगा, दिस इज प्लस वन एंड दिस इज टू, यानी कि मेरे पास कितना आएगा, दिस इज वन अपॉन टू, वन अपॉन टू वन प्लस एस आई, ठीक है। थर्ड में कितना मिलेगा भैया, दिस इज माइनस टू सॉरी माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू यानी कि प्लस टू, यानी कि वन अपॉन टू ए प्लस एस आई, ओके सिंपल है। अब क्या करेंगे, ये जो टर्म हमारे पास चल रही है दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी के इक्वल चल रही है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ इसका इनवर्स ले लेंगे, यानी कि हम इनवर्स लेके सिंपलीफाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो y t इक्वल टू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म और माइनस वन अपॉन टू प्लस आई एस देन वन अपॉन टू एफ इनवर्स वन प्लस आई एस देन वन अपॉन टू फोरियर ट्रांसफॉर्म थ्री प्लस एस आई, तो 2 प्लस आई एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या मिलेगा, दिस इज ई टू द पावर माइनस टू टी इंटू यू टी, इसका मिलेगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस टी इंटू यू टी और इसका मिलेगा 1 अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस थ्री टी इंटू यू टी, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलते हैं, राइट। सभी में हमारा कॉमन कितना निकल रहा है बच्चों, कॉमन कितना आ रहा है मेरे पास, वाई टी इक्वल टू यू टी में समझ से कॉमन निकालू और वन बाई टू भी अगर कॉमन निकालू तो मुझे कितना मिलेगा, अपने प्लस राइट हमको पहले लिख देता हूं, दिस इज ई टू दी पावर माइनस टी यू ऑफ टी एंड दिस इज ई टू दी पावर माइनस थ्री टी इंटू यू ऑफ टी एंड माइनस ई टू दी पावर यू टी, अपना कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर, y t इक्वल टू यू टी अपॉन टू हो गया और ये मेरा लिखा जाएगा e टू दी पावर टू e टू दी पावर माइनस, ओके। इस तरीके से हमारे पास ये हल लिखा है, तो हमने क्या देखा कि हमने कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म बेस्ड हमने कुछ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव सॉल्व करे, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनका लिमिटेशन है, हम कुछ ही क्वेश्चन में लगा सकते हैं क्योंकि इन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के साथ हमारे पास सिंगल फंक्शन होना जरूरी है, यानी कि या तो यूनिट स्टेप फंक्शन या आपका रैंक डेल्टा फंक्शन या कोई दूसरे ऐसे फंक्शन जो इसके लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के वाइड एप्लीकेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म में उतने ज्यादा नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं और मुझे ये भी बताएं कि इस लेक्चर में आप और क्या चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।